नमस्कार दोस्तों, वहाँ पांच लोग जो आज भी दुनिया के लिए रहस्य बने हुए हैं। ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। इसकी रचना कैसे हुई, कौन इस दुनिया को चलाता है, यह सारी बातें आज तक रहस्य ही बनी हुई है। इस बात पर भी विवाद है कि क्या इंसानों के अलावा भी कोई मानव जाति है। आज के विज्ञान के युग में इन सब बातों पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। कुछ अजीबोगरीब लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान आज तक नहीं हो पाई। कौन थे, कहां से आए, यह आज भी गुत्थी है। आइए जानते हैं दुनिया के इन रहस्यमय लोगों और घटनाओं के बारे में। यह घटना फ्रांस की है। दुनिया का सबसे बड़ा डर मौत है, पर एक लड़की की लाश इस रूप में मिली थी जैसे कि वो हंस रही हो। ऐसा होना वाकई में दुर्लभ है। मुस्कान से भरी लाश सीन नदी में मिली थी। इस लड़की की पहचान कभी हो ही नहीं पाई। यह लड़की कहां से आई, कैसे आई, ना ही किसी रिकॉर्ड में इसका नाम मिला। यह आज भी रहस्य बना हुआ है। यह दूसरी घटना हिरोशिमा की है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर हुए हमले से पूरी दुनिया की रूह कांप गई थी, लेकिन एक ऐसी परछाई जिसे परमाणु बम धमाका भी हिला नहीं पाया। हमले में 3 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। इस जगह से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से एक तस्वीर ली गई थी जिसमें किसी व्यक्ति के बैठने जैसी परछाई थी। इसकी आज तक पहचान नहीं हो पाई और यह भी रहस्य बना हुआ है। अमेरिका 9/11 हमला तो आपको याद ही होगा, पर उस दिन एक ऐसी घटना हुई थी जिसे देखकर सब हैरान थे। अमेरिका में 9/11 के हमले के दौरान एक व्यक्ति की तस्वीर खूब चर्चा में आई थी। तस्वीर में यह आदमी सिर के बल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत अजीब है। आमतौर पर कोई भी ऐसे नहीं गिरता। यह व्यक्ति कौन था, आधिकारिक रूप से इस बात का खुलासा कभी नहीं हो पाया। अगली घटना सूडान की है। दुनिया के महान फोटोग्राफर केविन कार्टर की खींची हुई तस्वीर में एक कुपोषित बच्चा दिखाई दिया। बच्चा जमीन की तरफ झुके हुए था। उसके पीछे गिद्ध दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो गिद्ध को पता ही हो कि बच्चा मरने वाला है और वह इंतजार कर आराम से देख रहा है। सूडानी बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यह बच्चा उसके बाद गायब हो गया। आसपास पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चला। यह पांचवी घटना अमेरिका की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के वक्त एक महिला कैमरे में कैद हुई जो हाथों में पिस्तौल थामे हुई थी। इस महिला को राष्ट्रपति की मौत के लिए जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन इसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। इस महिला को देश के अलग अलग कोनों में ढूंढा गया। न्यूज़ और पेपरों में इसका इश्तिहार दिया गया, लेकिन इस महिला का पता कभी नहीं चला। आखिर यह सब लोग कहां गायब हो गए, यह आज तक पता नहीं चला। यह सब लोग दुनिया के लिए आज भी रहस्य बने हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।